सर मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए पटना का सुबह सुबह जो माहौल है वो बदल गया। तमाम लोग हैं जो किसान सलाहकार के लोग हैं वो सड़क पर उतर गए, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। पूरी करो, क्या मांग है, क्यों उतरे सड़क? जल सेवक में समायोजन करने के लिए हम लोग 13 साल से हम लोग किसान सलाहकार के पद पर हैं और किसान सलाहकार का जो है पद जो है वो जन सेवक के इस पर जो हुआ था। हमारी मांग है कि जन सेवक में समायोजन किया जाए, जन सेवक में समायोजन किया जाए। जन सेवकों का भारी कमी को देखते हुए हम लोग का बहाली की गई थी 2010 में और जन सेवा के भारी कमी को देखते पूरे बिहार में किसान सलाहकार बहाली की गई थी, लेकिन 2015 से हम लोग का नियमावली को कैबिनेट नहीं कराया जा रहा है, जानबूझ कर फंसाया जा रहा है हम लोग। हम लोग क्या करे 13 बरिस में 13 को पहले बहाली करवाया गया। हाँ हाँ, अब 13,000 रुपया इस महंगाई में 13,000 का क्या वैल्यू है? 13,000 जन सेवा के भारी कमी को देखते हुए 2010 में किसान सलाहकार का जो है नियोजन किया गया था। हम लोग का फील्ड में हम लोगों का एक ही मांग है कि जन सेवक में हम लोगों का जो है समायोजन किया जाए। समायोजन किया जाए। हम लोग 13 साल में 36 विभाग का काम किए हैं। 13 साल में 36 विभाग को काम किए हैं, जन सेवा का वाला काम किए हैं, लेकिन हम लोग का अभी तक कोई प्रक्रिया नियमावली एथी वाला नहीं चला गया। 2015 से हम लोग का पेंडिंग रखा गया है। हेलो बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव से मांग करते हैं हम लोगों का रेगुलर किया जाए। जा कह रहे हैं अभी आप लोग, जा कह रहे हैं? हम लोग मीठापुर कृषि फार्म को घेराव करेंगे, घेराव करेंगे और हम लोग वही हक के लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते मर जाएंगे, ये कबूल है हम लोगों का। हम लोग पूरे बिहार में 7,000 किसान सलाहकार आए हैं पटना में, ठीक ना? वहाँ हम लोग का जन सेवक में समायोजन नहीं होगा, हम लोग नहीं मानेंगे। पदाधिकारी लोग हम लोग ये हड़ताली अथी में डरवाते हैं कि आप लोग चयन मुक्त कर लेंगे। हम लोग तो शांतिपुर के धर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पदाधिकारी भी हम लोग को डरवा रहे हैं। पदाधिकारी भी डरवा, हाँ, स्पष्टीकरण निकाल रहे हैं। हम लोग हड़ताली है, हड़ताल में तो स्पष्टीकरण के क्या क्यों जवाब दे, वो तो लिखित रूप से हड़ताल भी नहीं करने देना चाहते हैं। हाँ, हड़ताल में हम लोग कैबिनेट में चाहते हैं। देखिए तमाम लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर हैं और यहाँ पे क्या मांग है, कहाँ से? तो देखो तमाम लोग हैं जो कहीं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं, कृषि भवन का घेराव करने जा रहे हैं। किसान सलाहकार के लोग हैं और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मांग है, क्यों सड़क पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। देखिए तमाम जो लोग हैं वो लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं धरना प्रदर्शन। क्या क्या दिक्कत है? हम लोग को जन सेवक में समायोजन करने के लिए दिक्कत है। हाँ, सचिव का घेराव करना है। क्या लोग सचिव का घेराव कर रहे हैं? सचिव का घेराव कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं जो सड़क पर उतरे हैं और सचिव का क्या दिक्कत है, कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं कृषि भवन का घेराव करने के लिए। जन सेवक पद हमारा अधिकार है, वो हम लेके रहेंगे, आज इस कारण हम लोग प्रदर्शन वहाँ जारी करेंगे। कितना दिन से आप लोग कार्य कर रहे हैं? 13 मार्च से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पिछले 5 तारीख से हम लोग तो क्या पेमेंट वगैरह तो मिल रहा है आप लोगों को? पेमेंट मिलता है लेकिन बहुत कम, भीख के बराबर हम लोग को पेमेंट मिलता है। पेमेंट मिलता है जिसका कि इस जीवन में इस महंगाई के दौर में कोई उचित नहीं है, कोई उचित मान्य नहीं है। पेमेंट भीख के बराबर मिलता है, कहाँ जा रहे हैं? हमारी मांग है पूरी करो। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो लोग किसान सलाहकार के लोग हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पेमेंट मिलता है वो भीख के बराबर मिलता है। क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना, बाकी के तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।